खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर के पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वारा सर्व लाइन से टीम की मदद से 50 मोबाइल धारकों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस लौटाए गए। इस दौरान अपने अपने खोए हुए मोबाइल पाकर सबके चेहरों पर खुशी झलकती नजर आई। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। लोगों के फ़ोन अपनी मेहनत की कमाई से लोग खरीदते हैं, खरीद के यूज़ करते हैं। लोग कहीं गिर गया या चोरी हो गया तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, भाई हमारा फ़ोन चला गया। तो पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि फ़ोन हमने आज कितने बरामद किए हैं, 50 फ़ोन हमने बरामद किए हैं। तो जिसका फ़ोन वापस हो जाएगा उसकी चेहरे पर खुशी तो आप देखेंगे ही देखेंगे। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारी टीम को लगाया था कि इनको जो है बरामद करो, जितने फ़ोन गायब हुए हैं जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई है तो वो फ़ोन बरामद हुए हैं। आज जनता को हम वितरित कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं उनको इनके फ़ोन। ललितपुर जिले के कस्बा तालबेहट में नए जैन मंदिर के समीप PSC कोचिंग क्लास का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक तालबेहट विनोद कुमार मिश्रा, ग्राम प्रधान गेवरा गुंदेरा सोनम प्रजापति, निर्माण समिति अध्यक्ष मिनी जैन ने पीता काट कर किया। तालबेहट प्रजापति समाज के अध्यक्ष हुकुम प्रजापति और कोचिंग संचालक विवेक प्रजापति ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कोतवाल ने हाई स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को उपहार और नगद राशि भेंट कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कोतवाल ने छात्राओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अखिलेश जैन ने किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के कंपनी बाग में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक अति आवश्यक बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों ने तहसील पाली के निष्पक्ष पत्रकार के खिलाफ बगैर जांच के लिए पुलिस द्वारा कृष भावपूर्ण रवैये को अपनाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया। इसको लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण पत्रकार संगठन द्वारा इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच के साथ साथ जांच अधिकारी बदलने के सभी पत्रकारों ने मांग की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा क्षेत्र के श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद को पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि कस्बा पाली में स्थित एक बैंक में व्याप्त अनियमितताओं को समाचार पत्र के माध्यम से उजागर करने पर समाचार पत्र के संवाददाता से खुन्नस के चलते उसके ऊपर दर्ज कराए गए मुकदमे की निष्पक्ष जाँच कर खारिज करने की मांग की गयी। और सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि बैंक में दलाली करने वाले आपराधिक किस्म के व्यक्ति द्वारा संवाददाता पर साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी निष्पक्ष जांच करते हुए मुकदमा खारिज किया जाए। ये मामला ललितपुर जिले के क्षेत्र अंतर्गत बार ग्राम खैरा गांव का है, जहां खेत पर काम कर रहे एक किसान की सर्पदंश से मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला सुबह सुबह का है, जब गांव का ही एक किसान बालकिशन कुशवाहा अपनी फसल देखने घर से खेत पर निकला था, लेकिन जब वह देर तक नहीं लौटा तो परिजनों द्वारा उसे ढूंढने के लिए खेत पर गए, जहां मृत अवस्था में पड़ा था। लोगों ने बताया कि उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही बार थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय के लिए भेज दिया है। ब्लॉक बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले के सुदर्शन डिग्री कॉलेज बांसी में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के माध्यम से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना प्रथम इकाई कार्यक्रम के प्रभारी नरेंद्र सिंह बुंदेला के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों एवं स्वयं सेविकाओं ने कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर महाविद्यालय के संस्थापक एवं नेहरू महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर RN ने कहा कि NSS के माध्यम से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम देश भर में देशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस अभियान को स्वच्छ भारत अभियान शहरी तथा स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण दो भागों में विभक्त किया है। संपूर्ण भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान कार्यक्रम भारत सरकार का बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय कदम है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजीत सिंह ने कहा कि यदि बीमारियों को दूर भगाना है तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ बीमारी नहीं होगी। बीमारियों की मूल जड़ गंदगी होती है, अतः अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। अपने संदेश में कार्यक्रम प्रभारी नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि छात्र छात्राएं घरों में शौचालय का ही प्रयोग करें और समाज के अन्य लोगों को भी शौचालयों का प्रयोग करने के लिए जागरूक करें तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आसपास की सड़कों, मैदानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं पर्यटन स्थलों आदि को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए समाज के लोगों से अपील करनी है। इस कार्यक्रम के अधिकारी पंकज यादव ने बताया कि कचरा को जगह जगह फेंकने के बजाय एक स्थान पर कचरा पेटी में ही जमा करें, जिससे कचरे की रिसाइकलिंग कर उसका सदुपयोग किया जा सके। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजीत सिंह, BEIED विभागाध्यक्ष श्रीमती मीरा सिंह, वरिष्ठ लेखाकार राम स्वरूप यादव, राम सजीवन, आशीष जैन, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रहलाद नामदेव संजू मौजूद रहे। आइए डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के हर कोने से आए फरियादियों की आखिर क्या है समस्याएं और उनकी समस्याओं का किस तरह होता है यहां निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मैं अजय प्रताप सिंह तोमर आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से जनपद ललितपुर में विगत दिनों अमरपुर के पूर्व प्रधान भैयन यादव द्वारा जिस तरीके से पेट्रोल जलाकर आत्महत्या किया गया और इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई, आज मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि जनपद ललितपुर इस वक्त कानून एवं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए बहुत ही हाईलाइट हो चुका है और भैयन यादव का आत्मदाह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के आम जनमानस की ज़िंदगी, चाहे शासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उसके यहाँ एक एप्लीकेशन टाइप करा कर देकर, फिर पुनः एप्लीकेशन देकर, टाइप करा कर देकर, इसी में उसकी ज़िंदगी झूल रही है। जहाँ एक तरफ माननीय योगी जी एक सुशासन का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहीं जनपद के जिलाधिकारी महोदय ललितपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर, नगर पालिका परिषद ललितपुर, PWD ललितपुर, ये चारों विभाग योगी जी के सुशासन के ऊपर कालिकपोतने में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इसका प्रमाण अमरपुर के पूर्व प्रधान भैया यादव का आत्मदाह स्वतः ही प्रमाण है, क्योंकि पूर्व में माननीय योगी जी द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया, यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलाया जाता है और यातायात माह भी मनाया जाता है, लेकिन जनपद ललितपुर में ना तो अभी शहर के अंदर किसी प्रकार का अतिक्रमण हटाया गया, ना ही यातायात की व्यवस्था उचित तरीके से चल रही है, ना ही नगर पालिका के सफाई व्यवस्था सही तरीके से चल रही है, और PWD का भगवान ही मालिक है। जहाँ एक तरफ आप देखें सिद्धम रोड देखें, कृष्णारी रोड देखें, और भरी बारिश में ब्याने नाले का जो डाइवर्जन बनाया गया है उसकी स्थिति देखें, जिससे यह आपका स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि यहाँ का जिला प्रशासन किस प्रकार से जनता के लिए कार्य कर रहा है।
ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।